हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी एक बार फिर से वेलकम है आप सबका मेरे चैनल स्वास्थ्य शिवानी के संग में। गुलाब जामुन किसको नहीं पसंद है, बच्चों को, बड़ों को, और हर फेस्टिवल की शान होते हैं गुलाब जामुन। आज यही मजेदार सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, और आप टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे, गुलाब जामुन आपके बहुत ही यमी बन के तैयार होंगे, बहुत बढ़िया बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन को बनाना। एक गुलाब जामुन मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कितने स्पंजी बने हैं, और ये देखिए बिल्कुल भी गुलाब जामुन के आगे अंदर गांठ नहीं है, कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत अच्छे बनेंगे ये गुलाब जामुन। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि आज हम पहले गुलाब जामुन प्रीमिक्स बनाएंगे और फिर उसी प्रीमिक्स से गुलाब जामुन बनाएंगे, और प्रीमिक्स बनाने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप मैदा। ये देखिए बिल्कुल लेबल पे है मैदा, नाप का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, गुलाब जामुन आपके न चपटे होंगे न कोई फटेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। 1 कप हमने मैदा ली और 1 कप हम बिल्कुल लेबल पे ले रहे हैं मिल्क पाउडर। दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये देखिए 1/2 टीस्पून है लेबल पर, ये भी है खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है इसमें, बेकिंग सोडा ही हमें यूज करना है। डाल देते हैं और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करते हैं, और ये लीजिए हमारा गुलाब जामुन प्रीमिक्स बन के रेडी है। इस समय आप चाहिए तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे गुलाब जामुन के अंदर इलायची पाउडर नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। और ये मैंने 2 कप प्रीमिक्स बना के रेडी किया है, लेकिन आज मैं इसके आधे बैच का गुलाब जामुन बनाऊंगी और आधा प्रीमिक्स में फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी। दिवाली आने वाली है फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन तो चल ही रहा है, आधे बैच का गुलाब जामुन हम दिवाली पर बनाएंगे। तो ये हमारा 2 कप प्रीमिक्स बन के रेडी है, इसको मैं 2 जगह डिवाइड कर लेती हूँ और उसके बाद हम अपने गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 कप मैंने प्रीमिक्स बाउल में निकाल लिया है और 1 कप मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, जब मुझे बनाना होगा तब मैं इसका यूज करूंगी। और जो हमने बाउल में निकाला है इसमें हम अब ऐड करेंगे 1.5 चम्मच देशी घी, क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा ड्राई होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम देशी घी डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। तो ऐसे समझ लीजिए टोटल जो हमने 2 कप बनाया है प्रीमिक्स, इसमें 3 टीस्पून हमारा देशी घी लगेगा। इसको मिक्स करते हैं, घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब इसको हम डो बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे दूध, और ये हमने 1/2 कप दूध निकाल के रखा है, जितना हमें इसमें लगेगा 4 से 5 टेबल स्पून इसमें दूध हमारा यूज हो जाएगा। आटे की तरह हमें इसे डो बनाना है, पहले हम इसमें 4 टेबल स्पून दूध ऐड कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, दूध हमारा ये रूम टेम्परेचर पे है, ना ठंडा है और ना गर्म है। इसको मिक्स करते हैं और ये देखिए 5 टेबल स्पून हमने दूध इसमें ऐड किया है। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर मेरी बताई हुई बात को फॉलो करके आप गुलाब जामुन बनाएंगे, कभी भी गुलाब जामुन आपके खराब नहीं होंगे। इस डो को हमें आटे की तरह नहीं लगाना है कसकस के, बहुत हल्के हाथों से हम इसमें दूध मिक्स करेंगे और इसको सारे प्रीमिक्स को इकट्ठा कर लेंगे। मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स, तो ये देखिए थोड़ा सा अभी चिपचिपा सा लग रहा है, लेकिन अभी हम 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे मिक्स करके, तो ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए 5-7 मिनट मैंने प्रीमिक्स का डो बना के रख दिया था, और ये देखिए अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। अब हाथ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा देशी घी, और नींबू से भी छोटे छोटे इसके पार्ट लेकर हम इसकी गोलियां बना लेते हैं। अब इस टाइम पर आप चाहें तो गोलियों के अंदर ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद डाल सकते हैं, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 किशमिश,
ये देखिए इस तरह से होल बना लिया पेड़े की तरह, और इसमें डाल देते हैं एक एक किशमिश, और फिर से इसको गोल करते हुए इसको शेप दे देते हैं। ध्यान रखें कि हमारे बोल पे एक भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छे ये मिल्क पाउडर से घर में प्रीमिक्स बना के आप गुलाब जामुन रेडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, जरूर से एक बार ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया है, तो प्लीज करिए और कमेंट करके मुझे बताइए मैं आपके लिए और नई नई रेसिपी क्या चीज बनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है हमारी गोलियों पर, और इसी तरह से हम किशमिश डालते हुए सारी गोली बनाकर रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और बताना चाहूंगी यहाँ पर कि हम और तरीके के जो गुलाब जामुन बनाते हैं तो उसमें हम चाशनी पहले रेडी करके रख लेते हैं और गुलाब जामुन तलते जाते हैं और चाशनी में ऐड करते जाते हैं, लेकिन ये वाले गुलाब जामुन में ऐसा नहीं है। इसको हम पहले तल के सब एक साइड में रख लेंगे और उसके बाद हम चाशनी को बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बैच से मतलब एक कप प्रीमिक्स से हमारी 18 गुलाब जामुन की गोलियां बनके रेडी हो गई हैं, और ये देखिए छुटकू सा भी बनके रेडी है, मतलब 18.5 गोलियां हमारी बनके रेडी हैं। गैस पे हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप देशी घी में बनाना चाहें आप देशी घी में बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि तेल हमारा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत गर्म में अगर हम गोलियां डाल देंगे तो क्या होगा ना, ऊपर से तो वो सब सिक जाएंगी, अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी, और वो हमें वैसा तो चाहिए नहीं। तो अब हम एक छोटी सी गोली डालकर इसमें देख लेते हैं, और ये देखिए पास से मैं आपको दिखा देती हूँ कि परफेक्ट गुलाब जामुन की गोलियां डालने के लिए हमारा ऑयल गर्म है। अब हम इसमें गोलियां डाल देते हैं। बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे जिससे गुलाब जामुन फूलने के लिए उसको जगह मिलती रहे। एक बार में जितने आएंगे दूर दूर हम उतने गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं, और बाकी के हम दूसरे बैच में तल के रेडी करेंगे। बस अब इससे ज्यादा हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हम गुलाब जामुन पर बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं लगाएंगे। और अब हम अपने तेल को घुमाएंगे, गुलाब जामुन पे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ये अपने आप पलटते जाएंगे और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अपने गुलाब जामुन की गोलियों को तल के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए गुलाब जामुन हमारे कितने सुंदर कलर में तल के आ रहे हैं। थोड़ा सा डार्क करना है या अभी इसको निकाल लेना है ये आपको डिसाइड करना है। अभी मैं थोड़ा सा इसको और गोल्डन करूंगी और उसके बाद मैं इसको निकालूंगी। एक भी गुलाब जामुन देखिए फटा नहीं है और कितने बड़ा बड़ा फूल के आया, और चाशनी में जब हम इसे डालेंगे तो ये और इससे डबल हो जाएंगे। और ये देखिए अब मेरे हिसाब से गुलाब जामुन का परफेक्ट कलर आ गया है। गुलाब जामुन को हम निकाल लेते हैं और जो हमारे दूसरे बैच के बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह से तल के हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी सारी गोलियां तल के रेडी कर ली हैं, और गैस पे हमने वापस से वही कढ़ाई रखी है, इसका ऑयल हमने निकाल दिया है जिससे हमारा ये नीचे चिकनापन है, इससे हमारी चाशनी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप चीनी। मेजरमेंट आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा चाशनी का, प्रीमिक्स का, बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। 2 कप हमने चीनी डाली है तो इसमें हम 2.5 कप पानी ऐड करेंगे, 1 कप दो कप, और ये देखिए 2.5 कप, 2.5 कप हमने पानी ऐड कर दिया है, और चीनी के घुलने तक हम चाशनी को बनाएंगे। हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है, बस चीनी हमारी मेल्ट हो जाए इतनी देर हमें ये पकाना है। चीनी देखिए हमारी अच्छे से घुल गई है, लेकिन अभी इसमें चिपचिपापन नहीं आया है। और इस टाइम हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा केवड़ा जल। आप इस समय चाहिए इलायची पाउडर डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल सकते हैं, मैं केवड़ा जल डाल रही हूँ, और 2-3 ड्रॉप नींबू का रस। नींबू के रस को डालने से क्या होता है कि चाशनी में व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल नहीं बनते हैं, और चाशनी हमारी बिल्कुल भी जमती नहीं है, बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में रहती है।
अब इसे 2-3 मिनट और हम इसको बॉईल कर लेते हैं, जरा सा इसमें चिपचिपापन आ जाए, बस तार नहीं बनना चाहिए। और ये देखिए चाशनी हमारी अच्छे से अब चिपचिपी हो गई है, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें तार नहीं बना है लेकिन अच्छे से चिपचिपापन आ गया है, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमने ये तल के गुलाब जामुन की गोलियां रखी हुई हैं। गैस को अभी ऑन करा हुआ है हमने, लेकिन आंच को हमने लो कर दिया है। सारी गोलियां इसमें डाल देते हैं और 2-3 मिनट ऑन गैस में ही हम इसको गोलियों को बॉयल कर लेंगे। ये देखिए सारी गोलियां इसमें ऐड हो गई हैं, और अब इसमें हम एक बॉयल अच्छे से आने देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया गुलाब जामुन फूल गए हैं, और अभी जब इन्हें आधा घंटा हम रेस्ट पर रखेंगे तो सोचिए गुलाब जामुन हमारे कितने बढ़िया से फूल जाएंगे। और चाशनी जो आपको ज्यादा दिख रही है, थोड़ी ज्यादा ही बनानी पड़ती है, जिससे क्या होता है ना गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को सोख कर ले। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम लिड से कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जिससे चाशनी हमारी गुलाब जामुनों में अच्छे से चली जाए। आधा घंटा हो गया था हमें गुलाब जामुन को रखे हुए, और ये देखिए कितने सुंदर से गुलाब जामुन लग रहे हैं, बहुत ही मस्त बने हैं। और कितनी ज्यादा चाशनी थी जब हमने इसको लिड से कवर करके रखा था, और अब देखिए चाशनी इसमें कितनी कम बची हुई है। बहुत टेस्टी बने हैं ये, मैं आपको एक काट के भी दिखाऊंगी। प्लीज इस गुलाब जामुन की रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप जरूर से फॉलो करिएगा और एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है यदि आपके पहले गुलाब जामुन कभी अच्छे नहीं बनते होंगे तो इस बार आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगी। मैं मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस तरह से गुलाब जामुन जरूर से बनाएंगे और फीडबैक में मुझे कमेंट करके जरूर से बताएंगे। मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।